नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी 9 भारतवर्ष। खबर फोरकावास से है। जिले में सर्दी के मौसम में भुने हुए आलू की दुकानें और रेहड़ी गली मोहल्लों से लेकर हर सड़क पर नजर आती हैं। आवास विकास स्थित ऐसी ही एक दुकान है मुन्ना लाल की, जो खूब चर्चित है। भुने हुए आलू खाने के लिए लोग दूर दूर से इनकी दुकान पर पहुँचते हैं। दुकानदार मुन्ना लाल ने बताया कि सर्दियों के मौसम में उनकी दुकान पर दिन भर रौनक रहती है, वहीं शाम होते ही भीड़ का दबाव बढ़ जाता है। वहीं बातचीत में दुकानदार मुन्ना लाल सक्सेना ने बताया कि यहां पर भुने हुए आलू में सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट चिप्सोना, फ्राइसोना, न्यू हॉलैंड माने जाते हैं। उन्होंने अपनी आलू भुने की प्रक्रिया की साझा की। उन्होंने बताया कि लोहे की कढ़ाई में बालू गर्म करने के बाद उसमें आलू भुने जाते हैं, उसके बाद कई मसालों को मिक्स करके बनाया जाता है और धनिया, लहसुन, मिर्चियाँ डालकर बनाई गई हरी चटनी के साथ आलू को परोसा जाता है। कुछ लोग छिलके वाले आलू भी पसंद करते हैं। दुकानदार ने बताया कि उनकी दुकान पर इस भुने हुए आलू का भाव 100 रुपये प्रति किलो है। बड़ी संख्या में लोग मक्खन लगाकर आलू खाते हैं, मक्खन के दाम अलग से देने पड़ते हैं। बता दें कि फरकाबाद की चटपटी दालमोठ का स्वाद भी निराला है। इसका स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें आलू का लच्छा मिलाया जाता है। यह चिप्सोना आलू से तैयार किया जाता है। पहले से तैयार लच्छे का इस्तेमाल भेलपुरी, चाट आदि में भी किया जाता है। आलू खाने आए बासु शर्मा ने बताया कि आलू में प्रोटीन होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन के साथ पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक और आयरन भरपूर मात्रा में पाया जाता है। भुने हुए आलू के साथ जो चटनी और गर्म मसाला यहाँ लोग तैयार करते हैं, वह विशेष तौर पर बहुत ही स्वादिष्ट होता है। भुने हुए आलू खाने आए लोगों ने बताया कि यहाँ का आलू बहुत ही स्वादिष्ट है। भुने हुए आलू खाने के लिए लोग बेताब रहते हैं। विशेष तौर पर चटनी यहाँ लोग जो मसाला बनाते हैं, वह हम लोग घर पर नहीं बना पाते। खाने के बाद मन करता है कि और खाएं। बताया कि जनपद में हजारों हेक्टेयर। मुन्ना लाल जी, आप यहाँ पर आलू बहुत दिनों से बेच रहे हैं, क्या विशेषता रहती है यहाँ पर? विशेषता यही रहती है कि यहाँ आलू का जश्न एक तरीके का जैसे खाया जाता है, जश्न मनाया जाता है। तो ये सीजन भर तीन महीने जो है आलू बन के खाया जाता है। अच्छा, ये बताएं आप चटनी और मसाला कैसे बनाते हैं, क्या विशेषता रहती है और कितने प्रकार का इसमें आइटम डालते हैं? चटनी मसाला में 5 प्रकार का चटनी में पड़ता है और मसाले में 15 प्रकार का। चटनी कितने प्रकार की बनाते हैं? 3 प्रकार की, एक लहसुन की, एक बगैर लहसुन की, एक बिना मिर्च। अच्छा, ये बताएं कि मसाला में क्या क्या चीजें डालते हैं, कितने आइटम डालते हैं? मसाला में 15 आइटम डालते हैं। एक बगैर मिर्च का बनता है, उसका जो है अलग है और मिर्च वाला अलग है। अच्छा, इसमें दाल आलमोट का भी कुछ विशेष रहता है? दाल आलमोट में भी ऐसे ही मिश्रण होता है। क्या रेट बेच रहे हैं आलू? आलू 100 रुपये किलो बेच। 100 रुपये किलो। अच्छा, और कुछ विशेष रहता है यहाँ पर? किस प्रकार के आलू की डिमांड है यहाँ पर? चिप्सोना आलू। चिप्सोना ग्राहक बहुत दूर दूर के जिलों के आ रहे हैं यहाँ पर। दूर दूर खाने आते हैं चिप्सोना आलू का। अच्छा अच्छा सर जी, क्या नाम है आपका? मैं हरकेश बहादुर हूँ, चलन रजब। अच्छा, ये बताएं कि आप आलू खा रहे हैं, क्या विशेष है यहाँ पर? बस अच्छा लगता है, बढ़िया। जब भी आते हैं बासु भाई, मैं आलू जरूर खिलाते हैं कि सर चलिए आज आपको आलू पार्टी कराएंगे। अच्छा, आलू के साथ चटनी है, मक्खन है। काफी समय बाद आने वाला हुआ है। कहाँ से आए हैं? शाहजहांपुर से आए हम लोग। अच्छा, फरकाबाद का आलू में क्या विशेषता लगी आपको? टेस्टी है। अच्छा, टेस्टी है, साथ में चटनी है, मसाला है, मजा आ रहा है इसमें खाने में। अच्छा, जो और कहीं नहीं मजा आता है, जो यहाँ पर मजा है? नहीं, और कहीं आलू में खाते भी नहीं हम, जब भी आते हैं मिलता भी नहीं है, इस तरह से मिलता भी नहीं ना। अच्छा, आलू ढूंढते घटिया घर तक पहुँच गए, कहीं आलू नहीं मिला। अच्छा, फरकाबाद में आलू आते हैं तो आलू जरूर खाते हैं। सर जी, क्या नाम है आपका? बासु शर्मा है। बासु जी, ये बताएं आप आलू कहाँ से खाने आए हैं? मैं तो फरकाबाद का ही प्रॉपर रहने वाला, लेकिन ये हमारे जितने भी साथी हैं ये सब शाहजहांपुर से आए हुए हैं। हम लोग स्टेट बैंक के हैं, ये हमारे अधिकारी लोग हैं। इनको सबको फरकाबाद किसान जो हमारा आलू का इलाका है, सबको बहुत पसंद आता है, तो जो है आलू पार्टी चल रही है हम लोगों की। अच्छा, आलू पार्टी करने आए हैं तो कम से कम ये बताएं कि आलू यहाँ पर बहुत प्रसिद्ध है, इनका क्या चटनी में विशेषता है और क्या नमक में विशेषता है इनके? ऐसा है, इनका नमक जो है बहुत ही ज्यादा जो है पेट के लिए लाभदायक है। इसमें सारी जड़ी बूटियाँ पड़ी हुई हैं, काली मिर्च, काला नमक, जो कि पेट के लिए बहुत लाभदायक है। हरी धनिया की चटनी है जो आपका हाजमा भी एकदम दुरुस्त कर देती है। अच्छा,
अच्छा, आलू के साथ मक्खन भी है? मक्खन भी होता है और सर्दी भी है सर, है मक्खन ऐसा है जो नए लोग होते हैं उन्हें मक्खन पसंद आता है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें केवल आलू और चटनी और नमक सादा ही पसंद आता है। तो कुल मिला के यहाँ पर इनका आलू खाने आए हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत टेस्टी है आलू। ये हमारे फरकाबाद किसान है क्योंकि हमारे फरकाबाद में आलू की पैदावार ज्यादा है और जितने भी हमारे मेहमान आते हैं हम सबको आलू पार्टी जरूर दे पाए। थैंक यू।